स्वरोजगार के लिए युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन उत्तराखंड पर्यटन विभाग की अपर निदेशक पूनम चंद ने किया। एमपीजी कॉलेज में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की ओर से नेचर गाइड का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर उत्तराखंड पर्यटन विभाग की अपर निदेशक पूनम चंद, सिंजल वोहरा और कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल चौहान ने किया। अपर निदेशक पर्यटन पूनम चंद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वरोजगार देने के लिए युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मसूरी में यहां के 50 युवाओं को नेचर गाइड का 10 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य प्रशिक्षक ने कहा कि यह प्रशिक्षण नेचर गाइड का है, जिसमें नेचर पर्यटन से जुड़े जितने भी एलिमेंट हैं उसमें बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे इसमें रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकें। ये ट्रेनिंग जो है नेचर गाइड की है, और जिसमें प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं पर्यटन की दृष्टि से, उसमें बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, जिससे बच्चे नेचर गाइड के रूप में रोजगार की संभावनाओं को तलाश सकें, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ वो अपने इलाकों से आते हैं पहाड़ में, वो अपने गांवों को, अपने इलाकों को एक नेचर पर्यटक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकें। इनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए ये हमने किया हुआ है, और इससे ये लोग टूरिस्ट को एक तो बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में प्रकृति ही सबसे बड़ा वरदान है हमको जो मिला हुआ है। हमारे जो 70% एरिया तो फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो उस फॉरेस्ट एरिया के अलावा में पर्यटकों को पूरा बता पाएंगे कि क्या आकर्षक का क्या केंद्र हो सकता है, हमारे क्या चिड़िया होती हैं, क्या तितलियाँ हैं, क्या बर्ड्स हैं, तो उन सब के बारे में पर्यटकों को बता पाएंगे, तो काफ़ी पर्यटक फिर से आकर्षित होंगे। और जब एक गाइडेड टूर होगा, नेचर ट्रेल होंगी, तो उस नेचर ट्रेल से के माध्यम से उनको सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की भी शिक्षा मिलेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।